अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ तसव्वुर काज़मी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान करंसी ब्रांच मुजफ्फराबाद में कायम कर दी गई। साबिक वज़ीर हुकूमत मुर्तज़ा अली गिलानी ने ब्रांच का इफ्तिताह किया। वेलकम बैक। पाकिस्तान करंसी ब्रांच मुजफ्फराबाद में कायम कर दी गई। ब्रांच का इफ्तिताह साबिक वज़ीर हुकूमत मुर्तज़ा अली गिलानी ने किया। इस मौके पर पाकिस्तान करंसी ब्रांच मुजफ्फराबाद के रीजनल हेड इरफान अब्बासी, ब्रांच मैनेजर एजाज अहमद, नदीम अब्बास और दीगर भी मौजूद थे। इफ्तिताह के मौके पर साबिक वज़ीर हुकूमत मुर्तज़ा अली गिलानी का कहना था कि पाकिस्तान करंसी ब्रांच मुजफ्फराबाद दार हुकूमत की आम जरूरत है। पाकिस्तान करंसी की मुजफ्फराबाद में ब्रांच न होने की वजह से पाकिस्तानी करंसी इस्लामाबाद या मानसेरा से जाकर तब्दील करवानी पड़ती थी, जिसके बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। पाकिस्तान करंसी मुजफ्फराबाद ब्रांच से अवाम की मुश्किलात में कमी वाकई होगी। मैं इरफान अब्बासी साहब और अतीक अब्बासी साहब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुजफ्फराबाद में ये जो करंसी की मुश्किलात से रद्दबदल के वाले से जो मुजफ्फराबाद के लोगों को एक प्रॉब्लम पेश आ रही थी, इन्होंने यहाँ ये एक अच्छी ऑफर जो है दी और ये जो इन्होंने यहाँ इसका इनकार किया, ये हम सब लोगों के लिए एक बेहतरीन अमल है। वरना हमें मानसेरा और इस्लामाबाद में जाके जो है वो रुसवा होना पड़ता था, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुजफ्फराबाद के लोगों के लिए ये एक आसानी पैदा की है। इस पर मैं दोनों भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआगो कि अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत इनको अता फरमाए और इनको बेहतरीन हक अदा करने की तौफीक दे। कैपिटल न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।